फोन देखें जरूर, लेकिन राइट पोस्चर में देखें, इन पोस्चर्स में ना देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर करमवीर दहिया। आज आपसे बात करूंगा आपके फोन से, इस फोन के बारे में। आप फोन पे मेरे को देख रहे हो, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे मेरे को देखते हो, आप फोन से देखते हो। और अभी पिछले 2-3 दिन से जो मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, उनमें ये लिखा आ रहा है कि फोन देखने से काफी पेन है, या फिर फोन किस तरीके से हमें नहीं देखना चाहिए, या कोई ऐसे पोस्चर जिन पोस्चर में फोन को हम देखें तो हमें दिक्कत होती है, उन पोस्चर को कैसे अवॉइड करना है। तो दोस्तों, आज मैं सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करूंगा, इसी फोन के लिए बात करूंगा कि इस फोन को कैसे हमें नहीं देखना चाहिए। मैं आपको ऐसे 3 पोस्चर बताऊंगा जिन पोस्चर में आपने हरगिज उस पोस्चर में फोन को आपने नहीं देखना। अगर मैं बात करूं दोस्तों हमारे YouTube चैनल की, तो हमारे YouTube चैनल को ग्रो करने में इस फोन का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं, इस फोन ने बहुत पेन भी दिया है, बहुत से लोगों को इस फोन की वजह से भी दिक्कत है, क्योंकि ये फोन है जो ये हम इस पोस्चर में कई बार देख लेते हैं कि जिस पोस्चर में उस एरिया के मसल डिस्टर्ब हो जाते हैं और काफी पेन रहता है। अगर मैं बात करूं, हम क्या करते हैं, हम ऐसे लेट जाते हैं और ऐसे लेटने के बाद हम फोन को ऐसे देखना शुरू कर देते हैं। जब हम फोन को ऐसे देखते हैं तो हमारे जो शोल्डर के मसल हैं, या सर्वाइकल के जो मसल हैं, या ये ट्रेपीजियस मसल है, ये सारा एरिया बहुत डिस्टर्ब होता है। या फिर हम ऐसे करके देखते हैं तब भी इन्हीं मसल, ट्रेपीजियस मसल या डेल्टॉइड मसल, इन मसल्स के ऊपर काफी प्रेशर रहता है, और कुछ देर बाद हम महसूस भी करते हैं कि हाथ दर्द करने लग गए हैं, तो हम रिलैक्स छोड़ देते हैं। तो हमें इस पोस्चर में कभी भी फोन को बहुत ज्यादा देर नहीं देखना चाहिए। फर्स्टली तो देखें ना इस पोस्चर में, अगर देखें तो बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहिए। सेकंड क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम ऐसे पिल्लो लगाते हैं और हम ऐसे ऐसे देखना शुरू कर देते हैं फोन। इसमें क्या है कि जो हमारे शोल्डर कैप्सूल है उसको हमने गलत पोस्चर में बिल्कुल बिल्कुल प्रेशराइज कर दिया है, और वो एक रॉन्ग रोटेशन में है हमारा शोल्डर का जो कैप्सूल है, और हम फिर ऐसे देखते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि नेक एरिया में पेन तो आता ही आता है, उसके साथ साथ शोल्डर में और पूरी बाजू में भी पेन आना शुरू हो सकता है। तो ये भी एक बैड पोस्चर है फोन देखने के लिए, हमें इस पोस्चर में भी फोन नहीं देखना चाहिए। अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं तो मोस्टली क्या होता है कि ऐसे पिलो लगाया है और ऐसे फोन देखना शुरू कर देते हैं, ऐसे उल्टा लेट के। इसमें आपके जो ये शोल्डर के मसल्स हैं, आपके जो ऊपर अपर बैक के मसल है या सर्वाइकल के मसल है, ये सारा एरिया डिस्टर्ब है। लंबा टाइम अगर आप ऐसे लेटोगे, 10-20 मिनट, आधा घंटा, तो आपको पेन भी होगा, और वो पेन बढ़ भी सकता है, और वो सर्वाइकल या फिर फिक्स बैक, अपर बैक में पेन, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इन दोनों तीनों पोजीशन जो मैंने भी आपको बताई हैं, ऐसे में आपको फोन नहीं देखना चाहिए। आपने करना क्या है, अगर आप ऐसे दीवार के साथ बैठे हो तो ऐसे दीवार के साथ बैठ के आप फोन देख सकते हैं, या फिर आप चेयर पे बैठ के देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे भी देख रहे हैं तो आपकी गर्दन ऐसे झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कुछ इंफॉर्मेशन है कि आपको फोन किस तरीके से नहीं देखना है, आपको कौन कौन सी पोजिशन छोड़नी पड़ेंगी उन पोजिशन के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फोन देखें जरूर, लेकिन राइट पोस्चर में देखें, इन पोस्चर्स में ना देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।